हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको शनिवार के दिन पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया वो उपाय बताने वाली हूँ जो केवल और केवल आपको शनिवार के दिन ही करना है। ध्यान से आज की वीडियो को देखना और जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ इस उपाय को अच्छे से आपको नोट करना है। इसके लिए आपको करना क्या, आपको लेना है सिंदूर। ध्यान रहे, आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर लेने के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि शनिवार के दिन भगवान शनि देव की पूजा होती है, उसी प्रकार शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। तो आपको शनिवार के दिन, आप चाहे तो सुबह के समय, आप चाहे तो शाम के समय भी आप शनि मंदिर जाएं, और शनि मंदिर जाने के बाद जो सिंदूर आपने लिया है उस सिंदूर में या तो आपके पास में शुद्ध सरसों का तेल है तो सरसों का तेल लें, नहीं है तो घी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उस घी में और उस सरसों के तेल में आपको सिंदूर मिला लेना है और अपनी इच्छा, अपनी कामना को बोलते हुए उस सिंदूर को जो हनुमान जी महाराज है उन पर समर्पित कर देना है। ध्यान रहे, आप इस उपाय को करना और जिस इच्छा के साथ आप करेंगे वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो उपाय है आपको बहुत ही जल्दी फल देने वाला होगा, आपकी जल्द ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। जब भगवान हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता जी के पास गए थे तो वो एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता आप ये क्या कर रही हैं। तब माता सीता ने बताया कि मैं ये मांग में सिंदूर भर रही हूँ जिससे कि मेरे प्रभु राम प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस उसी भाव से भगवान हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था और भगवान राम जी के सामने आए थे। तो भगवान राम ने पूछा कि हनुमान आपने ये क्या किया। तब हनुमान जी ने बताया कि माता सीता भी तो आपको प्रसन्न करने के लिए अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरती हैं, उसी तरह मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया जिससे आप मुझसे कई ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। बस उसी दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान आपके ऊपर जो भी सिंदूर जिस भाव के साथ मैं समर्पित करेगा, जिस इच्छा के साथ मैं समर्पित करेगा, उसकी वो इच्छा तत्काल ही पूरी हो जाएगी, यानी कुछ ही दिनों में वो इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। उसी दिन से जो व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर समर्पित कर देता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, चाहे नौकरी से लेकर हो, व्यापार से लेकर हो या किसी विशेष मनोकामना को लेकर हो। उम्मीद करती हूँ आज का जो उपाय है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।